इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज हो चुकी है और एक घरेलू सीरीज का तैयारी। कौन मारेगा बाजी वो तो पता चलेगा कल, लेकिन किसके ऊपर रहेगी नजर? देखिए सबसे पहले ऋषभ पंत, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत के ऊपर रहेगी नजर और इनके ऊपर दबाव भी रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए एक तो बड़ा सीरीज होने वाला है। यहाँ पे जब रन नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो फिर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। एक करो या मरो स्थिति पे ऋषभ पंत खड़ा है। उसके बाद में बात करूंगा केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, जो कि बतौर ओपनर खेलेंगे क्योंकि शिखर धवन टीम पे नहीं है। तो फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए केएल राहुल का रोल ले पे आना, फ्रंट पे आना, रन बनाना सबसे जरूरी रहेगा। उसके बाद में बात करूंगा एक ऑलराउंडर जो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, नाम है उनका शिवम दुबे। देखिए कमाल की गेंदबाजी की थी इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन बल्ले के साथ जिस अंदाज से वो छक्का लगाते हैं, क्या उसी अंदाज से वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी छक्का लगाएंगे, वो एक देखने को किया बात बनेगी। और विराट कोहली का एक बड़ा बयान आया था कि संजू सैमसन प्लेइंग 11 पे खेलते हुए नजर आएंगे, क्या ये बात सच है? तो फिर संजू सैमसन को जब मौका मिले तो फिर दोनों हाथों से उस मौका को भुनाना पड़ेगा। और ये जो कोहली की टोली है ना, इसको रोकना नामुमकिन है। फिर भी वेस्ट इंडीज टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है ना। तो फिर कल एक मजेदार मुकाबला होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? मैं जा रहा हूँ इंडियन टीम के साथ। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में #cricketvani।